हेलो विलेंस, हाउ आर यू? और यार कैसे हो आप लोग? तो गाइस आज के इस वीडियो में जितनी भी मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ सारी की सारी आपके लिए क्लासिक में हद से ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब गाइस सबसे पहले ट्रिक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर शिवरनी के पास जो कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आपको सिंपली इसके पास आ जाना है एंड मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक झटके में यहाँ पर इसके टॉप पर जा सकते हो। अब गाइस ये ट्रिक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस कंपाउंड के अंदर की तरफ आके इस गेट को बाहर की तरफ खोल देना है एंड ये करने के बाद आपको सिंपली इस गेट के ऊपर की तरफ आके इस गेट के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक सोनिक स्कैन क्रिएट कर देना है एंड जैसे यहाँ पर ये क्रिएट होगा आपको सिंपली इसके ऊपर की तरफ जंप करके यहाँ पर जंप एंड ग्रैब के थ्रू यहाँ पर ऊपर आ जाना है एंड एक बार यहाँ पर आने के बाद कोई भी बंदा किसी भी कोर्ट पर आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करेगा एंड शिवरनी का मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये ट्रिक आप पूरे के पूरे एरेंगल में काफी जगह पर कर सकते हो एंड अपने एनिमीज को बिल्कुल सरप्राइज यहां पर कर सकते हो। अब गाइस बिना थोड़ा बहुत भी ओवर टाइम वेस्ट के चलते सीधा अपने अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक करने के लिए आपको सिंपली एक बाइक लेनी है एंड फार्म के अंदर जहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको सिंपली यहां पर भगा के अपनी बाइक को कुदा देना है एंड जैसे आप यहां पर इस बिल्डिंग के ऊपर की तरफ आओगे आपको सिंपली यहां पर एग्जिट कर देना है। अब गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो आप एक झटके में यहां पर इस बिल्डिंग के टॉप पर आ चुके हो एंड गाइस बहुत बार क्या होता है ना कि सामने की तरफ स्क्वाड हाउस के अंदर स्क्वाड होती है एंड आपके बंदे यहां पर फाइट ले रहे होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली पीछे की तरफ से एक बाइक यहाँ पर भगा के लाना है एंड सिंपली यहाँ पर कुदा देना है एंड जितने भी बंदे यहाँ पर स्क्वाड हाउस के अंदर होल्ड करके बैठे होंगे आप इजीली यहाँ पर उन्हें नॉक एंड फिनिश कर पाओगे। अब गाइस इस ट्रिक का यूज करके आप अपने एनिमीज को यहाँ पर ट्रोल भी कर सकते हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं सामने की तरफ एक बंदा यहाँ पर नॉक कर चुका हूँ एंड उसका जो टीममेट है वो उसे रिवाइव देने के लिए आगे की तरफ यहाँ पर आ चुका है। अब गाइस उस बंदे को अब तक यहाँ पर पता चल चुका था कि मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर होल्ड करके बैठा हूँ एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं सामने की तरफ से आऊंगा, बट अगर आप चाहो तो इजीली यहां पर स्क्वाड हाउस से होते हुए इस यहां पर घर के ऊपर की तरफ आ सकते हो एंड यहां से सामने की तरफ शेक के ऊपर कूद के उसे बिल्कुल सरप्राइज यहां पर कर सकते हो। अब गाइस मैं आपको यहां पर सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको यहां पर डायरेक्ट अटैक्स कभी भी नहीं करने हैं, आपको सिंपली यहां पर ट्रिक्स का यूज करके अपने एनिमीज को बिल्कुल सरप्राइज यहां पर कर देना है एंड इस ट्रिक का यूज करके आप इजीली अपने एनिमीज को नॉक एंड फिनिश यहां पर दे पाओगे। अब गाइस बिना थोड़ा बहुत भी ओवर टाइम वेस्ट किए चलते सीधा अपने अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक करने के लिए आपको लिविक के अंदर मिडस्टन की मेन बिल्डिंग के पास यहां पर आ जाना है एंड यहां पर आने के बाद आपको सिंपली इसका गेट अंदर की तरफ खोल के अपनी बग्गी को यहां पर बैक में करके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तक यहां पर चढ़ा देना है एंड जैसे आप ये करोगे आपको सिंपली यहां पर एग्जिट कर देना है। अब गाइस ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली जिस भी खिड़की के ऊपर आपने अपनी बग्गी को पार्क किया था आपको सिंपली यहां पर बिल्डिंग के अंदर की तरफ आके उस खिड़की के पास यहां पर आ जाना है एंड ये करने के बाद आपको सिंपली यहां पर बाहर की तरफ जंप करके अपनी जॉयस्टिक को पीछे की तरफ करना है एंड खिड़की के ऊपर खड़ा हो जाना है एंड ये करने के बाद आपको सिंपली अंदर की तरफ मूव करके पंच प्लस जंप प्लस ड्राइव एक साथ दबाना है एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस आपकी ट्रिक यहां पर वर्क कर चुकी है। ये करने के बाद आपको सिंपली अपनी बग्गी को यहां पर नीचे की तरफ उतार लेना है एंड कोई भी बंदा किसी भी कोर्ट पर आपको यहां पर स्पॉट नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस आप बिल्कुल इनविजिबल यहां पर हो चुके हो एंड इस ट्रिक का यूज करके आप अपने टीममेट्स को तो सरप्राइज कर ही सकते हो बट एट द सेम टाइम आप अपने एनिमीज को भी ट्रोल यहां पर कर सकते हो क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी कोर्ट पर आपको यहां पर स्पॉट नहीं कर पाएगा। अब गाइस बिना थोड़ा बहुत भी ओवर टाइम वेस्ट के चलते सीधा अपने अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक के अंदर मैं बताऊंगा कि आप किसी भी कंपाउंड के अंदर डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पर कैसे जा सकते हो। अब गाइस ये ट्रिक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां पर इस गेट को बाहर की तरफ खोल देना है एंड ये करने के बाद आपको सिंपली यहां पर सामने की तरफ एक सोनिक स्कैन क्रिएट करना है। अब गाइस जैसे आपका सोनिक स्कैन क्रिएट होगा आपको सिंपली यहां पर इसके ऊपर की तरफ चढ़ के इस गेट के ऊपर आ जाना है एंड यहां पर आने के बाद इजीली आप यहां पर अंदर की तरफ आ जाओगे एंड जितने भी बंदे यहां पर होल्ड करके बैठे होंगे इजीली यहां पर उन्हें नॉक एंड फिनिश दे पाओगे। अब गाइस बिना थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट के चलते सीधा अपनी लास्ट एंड फाइनल ट्रिक की तरफ जो कि काफी ज्यादा फनी यहां पर होने वाली है। अब गाइस इस ट्रिक का यूज करके आप अपने टीममेट को तो सरप्राइज कर ही पाओगे एंड एट द सेम टाइम आप अपने एनिमीज को भी बिल्कुल शॉक यहां पर कर पाओगे। अब गाइस ये करने के लिए आपको अपने हाथ में एक ग्रेनेड रखना है एंड एट द सेम टाइम आपको एनर्जी ड्रिंक पीनी है एंड फायर वाले बटन पर क्लिक करके रखना है एंड एट द एंड आपको सिंपली कैंसिल वाले बटन पर क्लिक कर देना है एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस आप कितने फनी में यहां पर अपनी गन को होल्ड कर पा रहे हो एंड इस ट्रिक को यूज करके अगर आप चाहो तो अपने एनिमीज को भी यहां पर किल कर सकते हो एंड बिल्कुल सरप्राइज अटैक उन्हें यहां पर दे सकते हो। अब गाइस अगर आपको ठीक करना है तो आपको सिंपली यहां पर एफपीपी के अंदर स्विच कर देना है एंड आपका कैरेक्टर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताना।